वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं सुलेखा अरफात, सुलेखास किचन से। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का करम है आप लोग की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मजे में हूँ। तो आज मैं क्या बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ रमजान स्पेशल। आप बिना रमजान में भी बना सकते हैं, ऑर्डिनरी डे पे शाम को चाय पे गेस्ट आए तभी भी। चिकन पिज्जा पॉप्सिकल्स आइसक्रीम कहिए, चिकन पिज्जा आइसक्रीम कहिए, पॉप्सिकल कहिए। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी क्विकली, साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए, एक कढ़ाई या फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, चूल्हा चालू कर दीजिए और इसमें डाल दीजिए एक छोटे चका चम्मच बारीक कटा हुआ या कूटा हुआ लहसुन। मैंने कूटा हुआ डाला है और इसे तकरीबन एक मिनट तक फ्राई कीजिए। जब एक मिनट हो जाए तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चिकन बोनलेस को एकदम छोटी छोटी बोटी करवाई थी और घर पे ही उससे करवाने के बाद घर पे ही थोड़ा सा मैंने कीमा कैसे कूटते हैं वैसे थोड़ा सा घर पे कूट लिया था बोर्ड के ऊपर। तो ये देख सकते हैं बहुत बारीक बारीक पीसेस है। अब डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, लेकिन कीमा नहीं है ये। अब चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए और इसका पानी छूटने दीजिए और कलर चेंज हो जाए तब तक फ्राई कीजिए। बीच में मैंने आधी हरी मिर्ची बारीक कटी हुई डाली थी, आप चाहें तो कम या ज़्यादा या फिर स्किप भी कर सकते हैं। अब ये पानी छूट गया है और कलर चेंज हुआ है तो यहाँ डाल दीजिए एक छोटे चाय चम्मच सिरका, एक बार चला लीजिए। अब डाल दीजिए 3/4 छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं आप। 1/4 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, ये डालकर दोनों चीज़ डालकर मिक्स कर लीजिए और इसे स्लो आंच पर ढक कर पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक चिकन पूरी तरीके से गल नहीं जाती, तो पानी भी सूख जाएगा। अगर बीच में एक बार चेक कर लीजिए खोल के, अगर लगे कि बहुत सूख चुका और गली नहीं है चिकन, एक चीटा मार लीजिएगा पानी का और फिर ढक कर स्लो आँच पर रहने दीजिएगा। चलिए 10-12 मिनट हो चुकी है, चिकन चेक कर लीजिए। जब चिकन गल जाए तो यहाँ पर डाल दीजिए 2 टेबलस्पून भरकर पिज्ज़ा पास्ता जो सॉस आता है ना रेडीमेड, वो वाला डाल दीजिए। मैं वीबा का डाल रही हूँ। अगर आपके पास ना हो पिज्ज़ा सॉस तो आप 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टेबलस्पून टमाटर सॉस को मिक्स करके इसमें डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर मैं बारीक कटी हुई प्याज डाल रही हूँ, एक छोटी सी थी, पर मैं आपको बता देती हूँ कितने टेबलस्पून होती है। हाँ, अगर आप भर कर लेंगे तो 2 टेबलस्पून, 2.25 टेबलस्पून जितनी होगी। अब मैंने तीनों टाइप की शिमला मिर्च को 1/4 लिया है और 1/4 को बारीक बारीक काटा है, उसकी भी मैं बता देती हूँ टेबलस्पून में कितने होंगे। ये देखिए, समझिए ना, भर कर आप लोगे तो 1.5 टेबलस्पून लाल शिमला मिर्च डाली मैंने, 1.25 या 1.5 टेबलस्पून जितनी ही पीली शिमला मिर्च डाली, ये देखिए, और हरी शिमला मिर्च बड़ी थी तो तकरीबन समझे ना 2.25 टेबलस्पून जितनी निकली है। अब ये सारी चीज़ों को डाल दीजिए। एक छोटे चाय का चम्मच या फिर मिक्स्ड हर्ब डालें या फिर ऑरेगानो डालें, मैंने ऑरेगानो डाला है हर्ब, और सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और 1-2 मिनट तक इसे सिर्फ पकने दीजिए। 1 मिनट में मैं स्लो आंच पर पका रही हूँ और बाकी का 1 मिनट मैं मीडियम आंच करके चूल्हा पका लेती हूँ इन्हें। जब बाकी का 1 मिनट हो जाता है तो चूल्हा कर दीजिए बंद और इसे ठंडा हो जाने दीजिए, साइड पर रख दीजिए। चलिए दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। एक प्याले के अंदर 3-4 टेबलस्पून मैदे का आटा डालिए और थोड़ा सा पानी डालकर इसे एक अच्छा घोल बना लीजिए। एकदम गाढ़ा भी नहीं और एकदम रनी भी नहीं होना चाहिए, मीडियम कंसिस्टेंसी का ये घोल बनाइएगा और इसे भी साइड पर रख दीजिए। अब एक ब्रेड लीजिए, स्टील की वाटी बड़ी सी लीजिए और इसे इस तरीके से करेंगे ना तो आपको गोल शेप मिल जाएगा, गोल आकार मिल जाएगा। और ये जो साइड के बचे हुए हैं आप इसे पीस कर इसका ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। चलिए इसी तरीके से सारे ब्रेड को कर लीजिए और राउंड शेप दे दीजिए। ये सारे मैंने बना लिए हैं, इसे साइड पर रख देती हूँ। 2 ब्रेड लीजिए, उन्हें इस तरीके से रखिए। एक आइसक्रीम स्टिक लीजिए जो मैदे का हमने बना के रखा है, ग्लू कहिए या मिक्सचर कहिए, वो भी रखिए। और ये जो स्टिक है ना आइसक्रीम की, इस तरीके से इस पे मैदे का उलट पलट दोनों ओर पे ये लगा दीजिए 1/4 पोर्शन पे, ये देखिए, और इसे एक ब्रेड के ऊपर रख दीजिए ऐसे, आप देख सकते हैं। अभी जो चिकन मिक्सचर है वो लीजिए और बीच में यहाँ ये डाल दीजिए हमारा चिकन का मिक्सचर, 1.25 टेबलस्पून जितना लीजिएगा। अब इसके ऊपर एक चीज़ का स्लाइस रख दीजिए और ये जो हमारा हमारा दूसरा वाला ब्रेड है ना, इसके चारों ओर इसका जो मैदे का हमने ग्लू कहिए या मिक्सचर या स्लरी बना के रखा है, इसे चारों ओर लगा दीजिए और इसे इस तरीके से कवर, पहले प्रेस कर लीजिए फिर कवर कर लीजिए और इसे अच्छे से हाथों की मदद से प्रेस करें तो चारों ओर से ये चिपक जाए ना, हमने ग्लू लगाया है, ये मैदे का ग्लू लगाया है। तो ये देखिए हमारी बन गई एक पॉप्सिकल। इसी तरीके से सारे बना लीजिए।
अच्छा मैंने क्या किया, एक साथ सारे लगा दिए हैं ब्रेड्स, उसके बाद ये स्टिक्स लगा दी है, उसके बाद सारी चिकन मिक्सचर डाल रही हूँ, और अच्छे से चिकन मिक्सचर डालिएगा, और उसके बाद सारे जो उसके ऊपर मैंने छोटे छोटे चीज़ के पोर्शंस रख दिए हैं अपनी चीज़ स्लाइस, और उसके बाद फिर मैंने कवर कर लिया, तो एक साथ हो जाता है तो क्विकली हो जाता है। ये देखिए सारे हो गए हैं मेरे, आप देख सकते हैं ये मिक्सचर के अंदर तकरीबन 10 बने हैं। इसे साइड पर रख दीजिए। एक बड़े से बाउल में दो अंडे डाल दीजिए, हल्का सा नमक और 3-4 टेबल स्पून जितना दूध डालकर बहुत अच्छे से फेंट कर इसे साइड पर रख दीजिए। अब ये है ब्रेड क्रम और ये हमारी एक पॉप्सिकल चिकन वाली पिज्ज़ा वाली। अब इसके बहुत अच्छे से उलट पलट करते हुए बहुत अच्छे से डिप कीजिए और अंडा बराबर चारों ओर लगना चाहिए। उसके बाद आप ब्रेड क्रम्स में डालें, अच्छे से वेल कोट करें चारों ओर से, साइड पे रखते जाइए, इसी से तरीके से सारे बनाते जाइए। अच्छा जो अंडा और ब्रेड क्रम है ना, ये जो जहाँ स्टिक है ना वहाँ बराबर से लगनी चाहिए, तो अगर आपका अंडा वहाँ नहीं पहुँच रहा है तो आप चम्मच की मदद से भी वहाँ डाल सकते हैं और ब्रेड क्रम अच्छे से लगा लीजिएगा। ये चलिए सारे बन चुके हैं। अब आप अगर अभी फ्राई करना चाहते हैं तो आधे घंटे के लिए सेट होने फ्रिज में रहने दीजिए, और अगर आपको इसे स्टोर करना है तो आप डायरेक्टली ये दोनों प्लेट्स को फ्रीजर में रख दीजिए एज इट इज। उसके बाद 1 घंटे के बाद निकालिए, एक एयरटाइट कंटेनर के अंदर नीचे बटर पेपर डालें, फिर आपकी ये पॉप्सिकल्स डाल दें, फिर बटर पेपर डालें, फिर पॉप्सिकल्स डालें, इसी तरीके से लेयर्स बनाते जाएं और इसे ढक कर फ्रीजर में रख दें। 1 महीने तक रख के खा सकते हैं या फिर आप जिपलॉक बैग में भी रख सकते हैं। अच्छा मैं आधी रख रही हूँ फ्रीज करके स्टोर करके, और आधी को मैं अभी ही बना रही हूँ, तो मैं आधी जो बना रही हूँ उसे फ्रिज में रख देती हूँ, और ये जो मेरी थी इसे मैंने फ्रीजर में रखा था और उसके बाद कड़क हो गई, उसके बाद मैंने इसे डब्बे में डाला है। फ्राइंग के लिए तेल लीजिए, फास्ट आंच पर तेल गर्म हो जाए तो उसे मीडियम आंच कर दीजिए, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर पॉप्सिकल डाल दीजिए हमारी चिकन पिज्ज़ा वाली, और इसे कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई करें। उसके बाद उलट पलट करते जाएं और मीडियम आंच पर तब तक फ्राई करें जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे एक छन्नी के ऊपर निकाल कर साइड पर रख दीजिए, टिश्यू पेपर के ऊपर मत निकालिएगा नहीं तो हल्के से नरम पड़ जाते हैं। इसी तरीके से सारे बैचेस में फ्राई कर लीजिए। मैंने अंडे की कोटिंग देकर फिर ब्रेड क्रम्स में रोल किया है, आप चाहें तो मैदे की कोटिंग भी कर सकते हैं। अंडे को स्किप कर दीजिएगा और मैदे की एक मीडियम कंसिस्टेंसी की कोटिंग बनाकर उसमें उलट पलट करके फिर ब्रेड क्रम्स में उसे अच्छे से वेल कोट कीजिएगा। चलिए ये सारे बन चुके हैं, आप देख सकते हैं बढ़िया से हमारे चिकन पॉप्सिकल्स पिज्ज़ा वाले। अब मैं आपको एक बता भी देती हूँ कितने क्रिस्पी है, ये देखिए माशाल्लाह। अब मैं आपको एक खोल कर भी दिखा देती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए क्या माशाल्लाह दिख रहे हैं, चीज़ भी है, क्या बढ़िया लग रहे हैं, और टेस्ट में तो इतने मज़ेदार है कि आप खाओगे ना तो खाते रह जाओगे इंशाल्लाह, इतने बढ़िया है, इन्हें कोई चटनी वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट बढ़िया से मज़ेदार से बनते हैं घर पर। तो मज़ा आया पॉप्सिकल्स देख के, एक्साइटमेंट हो रही है बनाने की, तो जल्दी जल्दी बनाएं, क्विकली बनाएं, और आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे और आप बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ये रेसिपी, लाइक का बटन दबा दीजिए ये वाली वीडियो के रेसिपी का, और आपको उससे भी ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ये वाली वीडियो के लिंक्स फॉरवर्ड भी कर दीजिए। कुछ चटनीज़ और ये हरी चटनी की रेसिपीज मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ आप लोग के लिए, वहाँ चेक कर लीजिएगा। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।